सीटेट फॉर्म भरने की तिथि जारी हो गया है। आज आप लोग जान सकते हैं कि कब से कब तक जो कि इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम कब आयोजित की जाएगी और कितना फी लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नया जो है कि नोटिफिकेशन निकल के आ गया है और कंप्यूटर आधारित जो है कि परीक्षा होगी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है वह 15 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक जो है कि आयोजित की जाएगी। उसके पश्चात यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जो है कि आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आवेदन कब से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त तक आप जो है कि सीटेट के लिए परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं और फी का पेमेंट जो है आप 21 अगस्त तक कर सकते हैं। यानी आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, फ़ी का पेमेंट नहीं किया है, तो फ़ी का पेमेंट जो है आप 21 अगस्त तक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि एप्लीकेशन का देखिए किस कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कितना फ़ी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी जो भी स्टूडेंट हैं उनको जो है कि एक, या देखिए अगर वो पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड भरते हैं तो सिर्फ 1000 रुपये लगेंगे। अगर वह दोनों पेपर भरते हैं तो उसको जो है कि 1200 रुपये लगेंगे। यानी आपने पेपर वन के लिए अप्लाई किया, पेपर वन जो होता है वो कक्षा एक से लेकर के पाँचवीं तक के शिक्षक बनने के लिए होता है। यानी पेपर फर्स्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। वहीं आप जो है कि पेपर टू के लिए भरते हैं फिर भी आपको जो है कि 1000 रुपये लगेंगे। यानी किसी एक पेपर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 1000 रुपये ही लगेंगे। अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1200 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये। वहीं एससी एसटी और जो भी दिव्यांग कैटेगरी के जो कि स्टूडेंट हैं उनको 500 रुपये लगेंगे किसी एक पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए 600 रुपये लगेंगे। तो यही इसका फी स्ट्रक्चर है आवेदन फॉर्म भरने के, तो आपने जान लिया है। तो सीटेट से संबंधित सभी जानकारी हेतु इस चैनल के साथ